कांगड़ा हवाई अड्डे पर लगभग 2 महीने के बाद स्पाइस जेट की फ्लाइट की लैंडिंग सोमवार को हो गई। दिल्ली से यात्रियों को लेकर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची ये फ्लाइट में यात्री दिल्ली से यहां पहुंचे थे। दोपहर बाद कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट किन्हीं कारणों से रद्द भी हो गई थी। एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने कहा कि एयर इंडिया की सेवा आज रद्द हो गई थी। विमान सेवा रद्द होने के कारण अभी तक पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन इतना तय है कि ये सेवा आज यानी कि मंगलवार से शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया तथा स्पाइसजेट के विमान सेवाओं का शेड्यूल 29 तक वैसे ही है जैसे निर्धारित रहा है। आज वैसे तो एयर इंडिया की 2 और फ्लाइट्स थी और एक हमारी स्पाइसजेट की, टोटल 3 फ्लाइट्स थी आज ये अपना दिल्ली चंडीगढ़ से गगल तक। बट जो एयर इंडिया की दोनों फ्लाइट्स हैं अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से वो कैंसिल हो गई हैं और स्पाइसजेट की फ़्लाइट ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। तो फ्लाइट जो हमारी स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी इसमें 34 लोगों की मेरे पास डिटेल आई है अभी, जो हमारी टीम अभी वेरीफाई कर रही है कि क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रैवलर्स रहा है। तो अब वो लैंड कर रहे हैं और हमारी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है इसमें और हम अकॉर्डिंगली इनको जो है क्वारंटीन्स में भेज रहे हैं और जैसे भी उनका स्टेटस होगा उसको चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी आर टेकिंग एक्शन। नहीं, ये बहुत क्लियरली ये जो DC साहब का हमारे ऑर्डर होता है जो हमारे स्टेट में डिसाइड होता है, एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन राइट टू डिसाइड कि कैसे किन लोगों को कहाँ किया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है कि अकॉर्डिंगली एज पर देयर जो उनका स्टेटस होगा, जैसे उनका अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है, कोई ओल्ड एज है, कोई हमारा मेडिकली अनफिट है, तो इन लोगों को हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं। जो हमारे फिट लोग हैं उनको जो हम इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे या होटल्स में पेड क्वारंटीन पे भेजेंगे। तो पेड क्वारंटीन पे दे कैन डिसाइड विच होटल दे वांट टू गो और वहीं पे उनको रहना पड़ेगा जब तक उनका टेस्ट होके नेगेटिव नहीं आ जाता। और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में वो जाएंगे अगर दे ऑप्ट, तो वहाँ पे भी उनका टेस्ट होने के बाद दे विल बी अलाउड टू गो। बट 14 डेज का इनका हमारा क्वारंटीन है, बट जब टेस्ट हो जाता है अगर जल्दी हो जाता तो जल्दी, लेट होगा तो जैसे भी हमारी फैसिलिटीज़ में टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी उनके टेस्ट होंगे और अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन। जो गई हैं उसका एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है डिटेल, 34-35 ये थी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, बट एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, बट आने वाली की मेरे पास 34 की लिस्ट आई है। नहीं, उनको वापस भेजा जाएगा अगर वो हिमाचल के नहीं है तो, अभी हमने कोई टूरिस्ट की एंट्री अलाउ नहीं करी है। तो एवरीबडी हु इज़ कमिंग विदाउट एनी एड्रेस प्रूफ ऑफ हिमाचल विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एंड उनको अगर वापस की अगर उनकी टिकट नहीं हो पाती है तो उनको एक आध दिन के लिए हम किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में भेज देंगे और वहीं से फिर नेक्स्ट डे उनको वापस भेज देंगे। ऐसा भी कोई